गुड मॉर्निंग पंजाब, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडे नाल मैं अमृता गर्ग। बुलेटिन दा आगाज़ करांगे सब तो पहला गल मुख्तार अंसारी दी, जिस नूं लैके इस वेले दी वड्डी खबर यही है कि अंसारी नूं लैके जाण दे लई रूपनगर पहुंच चुकी है यूपी पुलिस। तुहानूं दस दईए करीब 100 लोग 20 गड्डियां ते वजर वाहन दे नाल लैस हो के रूपनगर पहुंची है यूपी पुलिस। सवेरे जेल दे विच इस चों 3-4 गड्डियां ही दाखल होण। किसी वेले भी हुण मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो सकती है। यूपी तो जिहड़ी टीम रवाना हुई सी रूपनगर पहुंचना शुरू हो चुकी है। तुसीं वेख सकते हो रोपड़ पुलिस लाइन के बाहर पुलिस दी गड्डियां 5-6 गड्डियां। तुहानूं दस दईए कि पुलिस लाइन रूपनगर के विच पहला दाखिल हो चुकिया ने। इस तों अलावा वज्र वाहन भी जिहड़ा कि है वह पुलिस लाइन रूपनगर के विच आ चुके हैं। तो हुण तुसीं वेख सकते हो पुलिस लाइन रूपनगर के विच एक होर गड्डी मौजूद हुई है, यानी कि मुख्तार अंसारी दे लई जिहड़ी यूपी तो पुलिस टीम रवाना हुई सीगी रूपनगर पुलिस लाइन के विच पहुँचनी शुरू हो चुकी है। हालांकि 4 बजे का टाइम है, हजे तो जिहड़ी टुकड़ियां ने यूपी पुलिस की पहुँचनी इत्थे शुरू हो चुकी हैं। कुछ ही देर बाद यानी कि 6 बजे तो बाद सनराइज़ तो बाद इत्थे जिन्नी तमाम टीम्स मौजूद होणगियां उस तमाम टीम्स हुण रोपड़ जेल वर नूं जाणगियां। तो उस तो बाद हैंडओवर लिता जाऊगा यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी का। कैमरामैन धर्मवीर दे नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया रूपनगर। जिवें कि असीं तुहानूं दस्सिया कि जिस तरीके नाल यूपी तो जिहड़ी टीम रवाना होई सी रूपनगर यानी कि रोपड़ पहुँचना शुरू हो चुकी है। तो रोपड़ पुलिस लाइन के विच कुछ ही देर पहला कुछ गड्डियां यूपी पुलिस दी इत्थे दाखिल होईयां ने। जिहड़ी ओह टीम्स जिहड़ी कि मुख्तार अंसारी दा हैंडओवर लैण लई इत्थे पहुँचियां ने। राजीव कुमार जी इत्थे मौजूद ने। राजीव जी, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਆ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ, 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਰੂਪਨਗਰ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੀ ਹਲਚਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੂਰਜ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? जी बिल्कुल अमृता, जेकर गल की जाए इस वक्त की तो हजे कोई चहल पहल जी की है वो रूपनगर पुलिस लाइन के नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जेकर गल की जाए यूपी पुलिस की तो यूपी पुलिस की टुकड़ी जी की है सवेरे 4:30 बजे इतने पहुंची है। 7 गड्डिया सवेरे यूपी नंबर द इतने पहुंचिया, वज्र वाहन जोड़े कि सवेरे पहुंचा। तो तुम दस दी है कि इस तो पहला भी जोड़े कि कुछ टुकड़िया सगिया पहला ही पुलिस लाइन के मौजूद सगिया। हालांकि जेकर गल की जाए जेल प्रशासन की तो उन्होंने वालों कहा गया सीगा कि 6 बजे तो बाद जोड़े कि है प्रोसीजर शुरू किया जा सकता है, लेकिन हूँ ये 9 बजे तो बाद जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग क्या जोड़ा कि कहा जा रहा है कि 9 बजे तो बाद जोड़े कि है वो प्रोसीजर शुरू किया जाऊगा। उतें ही दूजे पास 4:30 बजे जिस तरीके 16 तो 17 घंटे का सफ़र तय करके जेडे कि यूपी पुलिस के मुलाजम ने जोड़े यूनिट है वो इतने पहुंची है, तो उन्होंने थोड़ा आराम दिता जा रहा है। तो उस तो बाद करीब 9 तो लैके 10 बजे के विचकार पूरी जिहड़ी कि तमाम जिहड़ी कि यूनिट होएगी, तमाम जिहड़ी कि यूपी पुलिस की टीम हैगी रोपड़ जेल के पहुँचूगी, जिथे कि कागजी कार्रवाई करने तो बाद हैंडओवर कर दिता जाऊगा मुख्तार अंसारी नूं जिहड़े कि यूपी पुलिस नूं। ते नाल दे नाल कितना कितने एक ये भी वड्डी खबर सामने आई कि कल शाम नूं मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया सीगा, जिहड़ी कि रिपोर्ट हजे तक नहीं आई है। तो उहदी वेट जिहड़ी कि है वो जेल प्रशासन वल्लों की जा रही है, लेकिन जेकर गल की जाए इस टेस्ट की तो साफ तौर के उत्ते RT-PCR टेस्ट जिहड़ा कि है कोरोना का करवाया गया मुख्तार अंसारी का। कल शाम नूं यह मुख्तार अंसारी का टेस्ट होया, तो ये भी कितना कितने पेच जिहड़े कि है सरकार वल्लों कढ़ने जिहड़े कि है नज़र आउंदे ने, क्योंकि साफ तौर के उत्ते जेकर मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो मुख्तार अंसारी नहीं शिफ्ट किया जा सकता, बल्कि मुख्तार अंसारी फिर होम क्वारंटाइन किया जाऊगा, आइसोलेट किया जाऊगा 14 दिन के लिए। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि हजे कोई हलचल नहीं नज़र आ रही, लेकिन 9 बजे तो बाद गतिविधियां एकदम तेज़ होंगी नज़र आनगियां।
जो पूरी टीम जी कि रूपनगर पुलिस स्टेशन के रोपड़ पुलिस लाइन के जी कि इस वक्त मौजूद है, तमाम टीम जो रोपड़ जेल के पहुँचूगी तो उस तो बाद कागजी कार्रवाई शुरू की जाऊगी। तो उस तो वक्त कहा जा सकता है कि हंगामा तो हलचल काफ़ी ज़्यादा इतने नज़र आऊगी कुछ ही देर बाद। हालांकि इस वक्त की गल की जाए, इस वक्त मंजर की गल की जाए तो काफ़ी ज़्यादा शांति जी कि इतने नज़र आ रही है, कोई चहल पहल इतने नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जिनी तमाम टीम है यूपी दी पुलिस जो इतने मौजूद है उन्होंने वालों हजे अंदर रेस्ट किया जा रहा है। सवेरे 4:30 बजे 16 तो लेकर 17 घंटे तक का सफर जोड़ा कि तय करने तो बाद यूपी पुलिस की टीम इतने रोपड़ पुलिस लाइन के पहुंची है। जी बिल्कुल, ये भी थोड़े तो जानना चाहवांगे जो कार्रवाई है, जो फॉरमैलिटीज ने अनमोल उसनू करन दे लई किन्ना समा हजे लगेगा ते कदों तक रुखसती होएगी मुख्तार अंसारी। जी बिल्कुल, जेकर गल की जाए कार्रवाई की तो डॉक्यूमेंटेशन जी कागजी कार्रवाई जी की है ऑलमोस्ट पहला ही जी की प्रिपेयर कर लीती गई है, क्योंकि जेकर नॉर्मल केसिस की गल की जाए तो 2 to 3 hours तक का प्रोसीजर जो कि वह किया जाता है। लेकिन इस वक्त की गल की जाए काफ़ी हाई प्रोफाइल केस जो कि मुख्तार अंसारी का मनिया जा रहा है तो इनू लैके काफ़ी ज़्यादा प्रशासन वालों कहा जा सकता है कि प्रबंध किए गए हैं। पहला ही जी डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार कर ली गई है, सिर्फ रिसीविंग जोड़ा क्या वो लेनी बाकी है। जो डॉक्यूमेंट्स यूपी पुलिस वालों लियाए गए हैं उन्होंने उत्ते रोपड़ जेल की अथॉरिटी की जी कि रिसीविंग ली जाऊगी, जो डॉक्यूमेंट्स रोपड़ जेल मौजूद ने अथॉरिटीज़ के कोल उन्होंने रिसीविंग जी की है वो यूपी पुलिस वालों ली जाऊगी। ये तमाम चीज़ों तो बाद कि ना कि मुख्तार अंसारी हैंडओवर कर दिया जाऊगा यूपी पुलिस को, जिस तो बाद यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी लैके बांदा जेल तक जाऊगी जिते कि बांदा जेल के मुख्तार अंसारी ट्रांसफर करना होगा। जी अनमोल, इतने भी जानना चाहवांगे यूपी पुलिस बेशक मुख्तार अंसारी लेके जा रही है पर इस दौरान पंजाब के कोई अधिकारी या पंजाब की पुलिस टीम उन्होंने नाल बांदा तक जाएगी या सिर्फ तो सिर्फ हैंडओवर जो है संपूर्ण तौर पर दे दिता जाएगा। जी बिल्कुल, जेकर गल की तरह मुख्तार अंसारी की तो जिस तरीके वड्डी गिणती दे विच एक कॉनवॉय जिहड़ा कि पहुंचा, वड्डी गिणती दे विच पुलिस की टीम इत्थे मौजूद ने यूपी तो साफ तौर के उत्ते जेल तो पंजाब पुलिस वालों रवाना जिहड़ा कि वह कर दिता जाएगा मुख्तार अंसारी नूं। लेकिन जेकर कोई पंजाब की टीम जिहड़ी कि वह भी इन्हां दे नाल जाऊगी इहो जी कोई इनफॉर्मेशन हजे तक नहीं आई है। हजे तक की इनफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ यूपी पुलिस की जिहड़ी टुकड़ियां रोपड़ पहुंचिया ने यह मुख्तार अंसारी नूं लैके बांदा जेल तक जाणगियां। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਰਮੋਲ ਕਿ ਰੂਟ ਮੈਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰੂਟ। जी बिल्कुल, क्योंकि जेकर गल की जाए इस पूरे ऑपरेशन की ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क इनवॉल्व है। एक पासे मुख्तार अंसारी के अपने गुरगे जोड़े कि हैं वो भी कोशिश कर सकते हैं मुख्तार अंसारी रिहा करन दी कन्वॉय के उत्ते अटैक करन दी, दूजे पासे जोड़े मुख्तार अंसारी के दुश्मन ने उन्हां वालों भी कितना कितना कोई अटैक प्लान करवाया जा सकता है, जिदे चलते हुए तीन वक्ो वक् रूट जोड़े कि हैं उन्होंने किसी रूट पर भी जोड़ा कि लिया जा ले जाया जा सकता है। एक पासे शंभू बॉडर तो भी ले जाया जा सकता है, दूजे पासे यमुनानगर तो या फिर चमकौर साहब तो जोड़ा कि है मुख्तार अंसारी लिया जा ले जाया जा सकता है यूपी तक। हालांकि जेकर रूट जेकर कोई फाइनल जेकर पुलिस वालों नहीं दस्या गया बाहर, अजे तक कोई इनफॉर्मेशन यह नहीं आई क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इनफॉर्मेशन है, जेकर यह इनफॉर्मेशन लीक होंगी है तो साफ तौर के उत्ते कोई भी व्यक्ति जो कि खराब मनसूबा जोड़ा कि रखता होगा या फिर इस कॉन्वॉय पर अटैक करने की कोई साजिश करता होगा वो काफ़ी जोड़े कि सौखा ये सिचुएशन जी सौखी जी सिचुएशन बननी नज़र आऊगी, जिदे करके अजे तक रूट्स के बारे कोई डिस्कलोज जोड़े कि वह नहीं किया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनमोल। हुण सूत्रों के हवाले तो आ रही वड्डी खबर का रुख कर लैने, जिथे कल अंसारी का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया ते रिपोर्ट नेगेटिव आने ते ही अंसारी नू हैंडओवर किया जाएगा। सो मुख्तार अंसारी का बीते रोज कोरोना टेस्ट भी करवाया गया ते कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी ता ही मुख्तार अंसारी का हैंडओवर यूपी पुलिस नू दिता जाएगा, ये भी खबर सामने आ रही है। बहरहाल टेस्ट की उड़ीक जरूर सारयां नू है। सूत्रों के हवाले तो यह खबर सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी का बीते रोज कोरोना टेस्ट करवाया गया ते टेस्ट रिपोर्ट नैगेटिव आने तो बाद ही मुख्तारी का हैंडओवर यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा।
मुख्तार अंसारी के इस मामले दे विच कई वड्डे अपडेट्स सामने आ रहे ने, पर अखीर मंजिल यूपी की बांदा जेल ही होएगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मुताबक पंजाब ने मुख्तार अंसारी का हैंड ओवर यूपी पुलिस नूं देना है। यूपी पुलिस की टीम पहुंच चुकी है मुख्तार अंसारी नूं अपने नाल ले जाण दे लई। कुछ समय दे विच कार्रवाई का दौर जो है वह वेखण नूं मिलेगा। काफी हलचल इत्थे वध जाएगी। जो जानकारी मिल रही है कोरोना टेस्टिंग भी मुख्तार अंसारी की कीती गई है ते रिपोर्ट नैगेटिव आउण ते ही अंसारी का हैंड ओवर यूपी पुलिस नूं दिता जाएगा। उधर मुख्तार अंसारी मामले दे विच एम्बुलेंस नूं लैके भी कई सवाल उठे ते यूपी पुलिस दे डीएसपी दा कहना की है वह भी देख लैंदे। इस एम्बुलेंस के संबंध में हमारे जनपद बाराबंकी में FIR लाज है। FIR में ये है कि फेक डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ आए थे। जितने एविडेंसेज हैं सब पर और ये सूचना मिली थी कि उस संबंध में इसी थाने पे आए हुए हैं और सारी रिसर्च चल रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो भी चीज़ें मिलेगी कंसर्निंग कोर्ट से अनुमत लेकर के हम लोग लीगल प्रोसीडिंग करेंगे। तो जिस एम्बुलेंस दे विच मुख्तार अंसारी नूं लिआंदा गया सी चर्चा दा विशा ओ भी बनी हुई है, क्योंकि बीते दिनी रोपड़ दे एक ढाबे दे बाहर लवारिस एम्बुलेंस पाई गई, जिसदे कि फिलहाल थाना सदर दी पुलिस वल्लों जांच चल रही है। बिल्कुल घर वापसी होण जा रही है, पर नाल दे नाल क्योंकि घर वापसी के दौरान जिहड़ा है कॉन्ट्रोवर्सी एम्बूलेंस की भी बड़ी छिड़ी सी। तुसीं तस्वीरां देख सकते हैं, एक्सकलूसिव तस्वीरां इस वक्त किस तरीके नाल इत्थे जिहड़ा है एम्बूलेंस, क्योंकि कल जिहड़ी है वह लवारिस जिहड़ी अवस्था च मिली तो उस तो बाद तुसी नंबर देख सकते हो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी इस नंबर की हुई कि यूपी नंबर की एंबूलेंस किस तरीके नाल मोहाली कोर्ट च जिहड़ा है एक आरोपी नूं लैके आ सकती है, जबकि जिहड़ी प्रदेश सरकार है जिहड़ी कि प्रशासन है उन्हें मुहैया करानी हुंदी एंबूलेंस। हुण तस्वीरां तुसी अंदर दी भी देख सकते हो, जिस तों बाद जिहड़ा है वह कई सारे सवाल खड़े हुए। इस वक्त तुसी तस्वीरां यह भी देख सकते हो कि किस तरीके नाल अंदर तक के जिहड़े हालात ने वो एंबूलेंस रखे गए तो यूपी नंबर की जिहड़ी है वह एंबूलेंस किस तरीके नाल इत्थे इस सिचुएशन च मिली, इस अवस्था च मिली तो क्यों मिली, कई सारे सवाल जिहड़े यह भी खड़े हुए। पर नाल दे नाल एक गल जिहड़ी है वह रखी गई कि पहला तो कॉन्ट्रोवर्सी इस एंबूलेंस की क्रिएट हुई, उस तो बाद जिस तरीके नाल जिहड़ा है वह कई सारी चीज़ा जिहड़ियां वह सामने आईया, वो जब कागजात जिहड़े हैं वह पता लगे तो फर्जी पाए गए तो आखिरकार कई सारे सवाल यह खड़े हुए कि क्यों ये एम्बूलेंस जी है वो इस तरीके नाल पहला था मोहाली कोर्ट पहुंची, क्यों इस्तेमाल किया गया सी जिहड़ा है अंसारी का इस एम्बूलेंस के लिए, पर नाल दे नाल क्योंकि इजाजत किने दिती, कई सारे सवाल जिहड़े ना सिर्फ खड़े किए गए बल्कि पंजाब सरकार से भी ये सवाल खड़े हुए जिहड़े कि यूपी सरकार वालों जिहड़े खड़े किए। जिस तरीके से अब समय यह है कि घर वापसी का समय आ गया है तो इस तरीके से इस एम्बूलेंस का मिलना एक लावारिस अवस्था में कई सारे सवाल खड़े कर रही है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है या क्या इसके पीछे कारण है वो जरूर पता लगाने हैं। उधर भाजपा के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल का पंजाब सरकार से निशाना सामने आया, कहा एम्बुलेंस की खस्ता हालत है, सरकार ने साजिश ने बदली है, खस्ता हालत के विच एम्बुलेंस इंजन से चेसी नंबर भी मिटे हुए ने, तमाम इल्जाम लगाए गए पंजाब सरकार से। हालांकि तमाम इन्होंने इल्जामों को सुखजिंदर रंधावा वालों बेबुनियाद दसया गया। अगे वधांगे ते गल हुण रैलियां दे दौर दी कर लैणे आ। भुरथ रैली दे विच सुखबीर सिंह बादल दा कैप्टन सरकार नूं चैलेंज वेखण नूं मिलिया। उन्होंने कहा कि अपने वल्लों करवाया गया एक भी काम विखा देण कैप्टन अमरिंदर सिंह, सरकार बणन ते वादे तां कई कीते सी पर पूरा कोई वादा नहीं कीता गया। पंज सालां दे विच 12,000 पिंडां दा विकास कीते जाण दा वादा सुखबीर सिंह बादल ने किया कि जे साडी सरकार बनती है तो विकास भी किए जाएंगे, खेती कानून भी लागू नहीं होण देंगे तो बिजली बिल भी अद्धे करांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह मैं थोनू चैलेंज करता अज स्टेज ते, मैनू एक दस दियो कि मैं एक आ चीज किसान वास्ते की, आ चीज गरीब वास्ते की, आ चीज व्यापारी वास्ते की। मैं आ भी चैलेंज करता है, 4 साल हो गए, आ 4 साल होंगे ते 5 साल 2002 तो 2007 तक कांग्रेस का मुख्यमंत्री कैप्टन रहा, 9 साल पूरे हो गए, 9 साल आज मैं चैलेंज करता है, मैनू एक यूनिवर्सिटी दस दौ जी कैप्टन ने बना दी।
थोड़े सामने पांच साल पहले चार साल पहले कैप्टन मुख्यमंत्री बनाता, चार साल बर्बाद हो गए अपने। जे इन्हें चंगा काम किया होंगे मैं आप कहना सी इन्हें आ काम किया, वो आप ही नहीं कह सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज किसी स्टेज पर जाके नहीं कह सकता कि मैं आ किते। चलो जो गुड़का साहबियों सौ खादियां तो बीबी जी ने जिक्र करता। पहली गल है एडा वड्डा पाप उन्हें किया। देखो जेड़ा बंदा रब तो नहीं डरदा परमात्मा की झूठी सौ खा के मुकर सकता है, वह तो घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। अज गैंगस्टर पंजाब विच राज कर रहे हैं। मुख्तियार अंसारी का काम की है पंजाब विच पुछो दसो। हिंदुस्तान सब तो वड्डा गैंगस्टर मुख्तियार अंसारी है। कैप्टन ने अपने चीफ अपना रखिया परिवार वांगू अपनी जेल च क्यों रखे है? इत्थे खुली छुट्टी दिती है, गड्डियां सिक्योरिटियां उहदे सारा कुछ उहदे कोले है। उवें ही तुसीं सारे शहर चले जाओ, तुसीं जिन्हें भी शहर च अमीर बंदे है सारयां नूं गैंगस्टरां दे टेलीफोन आए है, फरौतियां हो जांदियां, डरा डरा के पैसा लुट्टी जांदे है। एक भी गैंगस्टर क्यों नहीं फड़िया? क्योंकि सारयां नूं नशे दा तां काम दित्ता ते करोड़ां रुपये का महीने का। कांग्रेसियों ने मन बना लिया कि असी सरकार नहीं आनी साड़ी, घट तो घट लुट तो लो। तुसी देख लो बीबी जी ने बेनती की कि जिहड़े बेचारे शहीद हो गए वो संघर्ष विच उन्हां दे परिवार को कोई ना कोई मदद दिओ। मैं धन्नवाद दिया बीबी जगीर कौर जी ना, एक एक लख रुपया उन्होंने जाके मदद भी की थी। मैं बीबी जगीर कौर जी ने बेनती की, नाल दिला मनजिंदर सिंह सरसा ने बेनती की, तो तुसी टॉप दे वकील खड़ा करके उन्हां सारयां नूं चढ़ाओ। तो खुशी ना कह सकदा साडी दोनों जथेबंदियां ने सारे छड़ा दिते थोनू जिहड़े उन्होंने अंदर किए। 12,000 पिंड है पंजाब के, थोड़े जवाबे तो जड़ी ज्यादा समस्या नहीं पिंड, पर मालवे तो माझे ज्यादा है। अपन गलिया पिंड कच्चिया रह जाए, पानी का प्रबंध शहर वगू नहीं, सीवरेज का प्रबंध नहीं, फिरनिया अपन टुटिया रहा। मैं थोनू गरंटी देना अगले पांच साल तुम मेयर रखो 12,000 पिंड सीमेंट दिया गलिया नालिया सीवरेज सिस्टम से पानी का प्रबंध जिमें शहर चो उमें बना के दूंगा। हर साल 3,000 पिंड चुने जाएंगे, हर साल 3,000 पिंड चुने जाएंगे, तो उसके बाद पांच साल नक्की कर देंगे। मैं तुम्हें आप वादा करता हूं। दूजी गल, किसी जिदे कोई ट्यूबवैल कनैक्शन नहीं है अपनी सरकार बनते पहले ही महीने उन्होंने ट्यूबवैल कनैक्शन दिता जाऊगा। मोदी जिन्ना मर्जी जोर लाले पंजाब कानून नहीं लागू होने देवे, मैं तुम्हें गरंटी दिना। बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने अस्तीफा दिता। मैं कई बार कहनी है 84 दे विच कतल होए, 84 दे विच छिड़काल तां सौ टैटेरी होया, हरिमंदर साहब च गोलियां चलियां। उस वेले कौन सी बूटा सिंह की सी? गृह मंत्री सी। क्यों उस वेले गृह मंत्री बूटा सिंह ने अस्तीफा दिता? नहीं दिता। उस वेले राष्ट्रपति कौन सी? ज्ञानी जैर सिंह सी। क्यों उन्हें अस्तीफा दिता? नहीं दिता। तो फिर बीबा हरसिमरत कौर बादल ने क्यों दिता? क्योंकि वो मन च दर्द सी कि मेरे किसान भरा, मेरा ये अन्नदाता पंजाब का राखा ही नहीं देश का राखा जरा सब का ढिड भरदा, इस किसान दे नाल अज बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। एक किसान अज लुटिया जा रहा है, एक किसान साडा पंजाब अज गलतान हो रहा है। झूठे कानून पास किए गए, पंजाब सरकार जो दहशत पाती आ रही है लगातार, अस सामने वेख लो सारे किन्ने सुचेत हैं। पूरा COVID-19 का ध्यान रखा हुआ है, हर किने मुँह ते मास्क पाए हुए है, हर किने कुर्सी का डिस्टेंस बना के रखे हुए है, क्योंकि लोग सुचेत है। इन्हें पता है कैसी हम उस बीमारी नाल जीना है। लेकिन बार बार डराया जा रहा है कितने कोई चला ना जाए, कितने कट ना हो जाए, ये सारिया गल्ला आज सामने आई हैं। लेकिन मैं थोड़ा धन्यवाद कर दी। उधर लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस श्री आनंदपुर साहब के ब्लाक नूरपुर बेदी के पिंड टिड्डेआल विखे पहुंचे। एक विशेष समागम दे विच जिस दौरान सिमरजीत सिंह बैंस ने अकाली दल वालों पंजाब च लगातार कीतियां जा रही रैलियां ते सवाल चुकदे कहा कि रैलियां दे स्लोगन्स दा कुछ होर दिते जा रहे ने,
पर जिस तरीके दे नाल आप उदरिया करते हैं एक परिवार वालों ही जरा लगातार टिकट अनाउंस की जा रही है उस जाहिर होता है कि पार्टी केवल केवल एक परिवार की पार्टी है मनमर्जिया दे नाल फैसले ले जाते हैं। सो एक नहीं बल्कि वक्खो वक्ख थावां ते श्रोमणी अकाली दल वल्लों रैलियां कीतियां जा रही ने सूबा सरकार ते आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे ने विरोध भी जताया जा रहा है सूबा सरकार ते तां वायदा खिलाफी का इल्जाम लगाया कि जा रहा है आम आदमी पार्टी के भी झूठ बोलण के इल्जाम लगाए जा रहे हैं वक्खो वक्ख चार तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते अमृतसर मोहाली फरीदकोट ते फिरोजपुर दियां ने अकाली दल ने इत्थे वक्खो वक्ख ढंग नाल प्रदर्शन श्रोमणी अकाली दल वालों अज मोहाली दे विच एक संकेतिक धरना दिता गया तुसीं वेख सकते हो इत्थे एक भांडा फोड़ रैली की गई है तुसीं वेख सकते हो कुछ ही देर पहला प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब वालों कैप्टन सरकार ते आम आदमी पार्टी सरकार दे मटके इत्थे फोड़े गए हैं तमाम इत्थे पार्टी के वर्कर मौजूद ने ते बड़े पद्धर ते इत्थे रोस मुजाहरा किया गया कि कुछ कारण सीगे किन भांडिया नूं इत्थे फोड़िया गया असीं गलबात करांगे चंदूमाजरा साहब किहड़े अज तुसीं मटके भन्ने हैं पंजाब सरकार दे आम आदमी पार्टी सरकार दे की एक खदशा सी जिन्हों लैके अज रोस मुजाहरा किया गया अज श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर लीडर जिहड़े संकेतक तौर पर सड़क से निकल के पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह दी ते दिल्ली दे केजरीवाल साहब दे जिहड़े झूठ ने फरेब ने शोशेबाजी आ उहदा भांडा भन्नण लई उहदा मटके भन्नण लई अज असीं चौरस्ते च आ के जनता की कचहरी च खड़ के ये झूठ नंगा किया जिस तरह ये भांडे भन्ने आ इस तरह असं कहने भी झूठ का भांडा उन्होंने जोड़ा फरेब का भांडा उन्होंने विश्वासघात का भांडा जो पंजाब चार साढ़े चार साल तो पछतावे लुटिया लुटिया हुआ महसूस कर रहा ना घर घर नौकरी मिली ना बेरोजगारी भत्ता मिलया ना 5 रुपए बिजली के यूनिट मिले ना किसी बंदे किसी गरीब नूं पेंशन लगी ते हुण नवा कम छेड़ता कणक खेता चाहिए मौसम खराब आ किसान सहमिया बैठा ते नाल दे सूबे दे विच हरियाणे च कणक विक रही आ इत्थे विक नहीं रही मतलब अजे तक शर्तां नहीं तय कीतियां अजे तक पॉलिसी नहीं तय हो सकी अजे तक दिल्ली नाल ये भी तय नहीं हो सकिया कि वह सीधी अदायगी करनगे कार्डतियां राही अदायगी करनगे वह सीसी लिमिट बनाउणगे कि नहीं बनाउणगे दिल्ली वाले कह रहे हैं असीं दरवाजे नहीं चढ़न देना असी दाणा नहीं खरीदना असी दवानी नहीं देनी जे तुसी सीधी अदायगी ना की मुख्यमंत्री साहब कहते हैं बेफिक्र रहो असी सीधी असी आड़तियां राही अदायगी करांगे नहीं निरा फोके तीर हवा से तीर मार रहे हैं फोके दिलासे दे रहे हैं सामने बैठ के अपना हक लेना पएगा नहीं कानून की लड़ाई लड़न की तैयारी करनी चाहिए आ जनतक लड़ाई लड़न की तैयारी करनी चाहिए आ जनतक लड़ाई लड़न तो मुख्यमंत्री साहब कहें असी उन्होंने लड़ना नहीं है सरकार की नलायकी ला लो लापरवाही ला लो जिते ना कि दिल्ली अगे झेप लग रही है दिल्ली अगे सहमे हुए लग रहे हैं दिल्ली तो डरते हुए लग रहे हैं जे दिल्ली की झेप ना होंगी दिल्ली तो डरते ना होंगे तो आ जिस तरह का अज इल्जामबाजी केंद्र पंजाब के किसानों पर ला रहा जिस तरह साड़ी किसान की पंजाब की जिनस खरीद तो भज रहा जिस तरह साड़ा RDF का पैसा दबी बैठा ये दिल्ली ना कर दी कैमरामैन अश्वनी अनमोल गुलाटी जी मीडिया मोहाली इन्हों खबरों के नाल इस बुलेटिन भी नहीं तुम बने रहो जी मीडिया के नाल सत श्री अकाल।